हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग कहते हैं, मैं भक्ति तो करना चाहता हूँ आपकी इतनी कथाएं सुनकर के भगवान कृष्ण के बारे में, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। भक्ति करूं तो मन कैसे लगाऊं, कैसे अपने अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को कैसे भगवान की ओर लेके जाऊं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 में इस बात का उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये न मामुपयन्ति ते। बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत सरल रूप से भगवान कृष्ण ने इस बात की पुष्टि करी। भगवान कह रहे हैं, बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करूंगा, यानी कि हमें वो समझ देंगे भगवान किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाए। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान चाहेंगे तो फिर हमको वो बुद्धि देते हैं कि हम उनको समझ सकें। लेकिन भगवान ही कब चाहेंगे, जब हम ये चाहें कि भगवान चाहें कि वो हमें बुद्धि दे। तो इसलिए भगवान कह रहे, तेषां सतत युक्ता नाम, जो व्यक्ति सतत रूप से सदा भगवान के नाम जप में, भगवान के गीता शास्त्र अध्ययन में, भगवान की कथाओं के श्रवण में सतत रूप से, ये नहीं कि एक दिन कर लिया जन्माष्टमी के दिन या एकादशी के दिन, सतत रूप से रात दिन इसी चिंतन में रहता है। तेषां सतत युक्ता नाम, युक्ता नाम यानी युक्त रहता है, हमेशा लगा रहता है इसी कार्य में। तो भगवान कहते हैं कैसे, भजताम प्रीति पूर्वकम। अब कई लोग हम देखते हैं, बुजुर्ग होते हैं या कोई युवा भी होते हैं, वो सुपरफिशियल रूप से रिचुअलिस्टिकली यानी कि नियम पूर्वक उन चीजों को करते हैं। हाथ में अगरबत्ती ले लेंगे, दिया कर देंगे, गीता भी रख लेंगे और वो अपने को एक्सटर्नली चेंज करते हैं। लेकिन भगवान ने दूसरी चीज कही, भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा प्रीति पूर्वक जो भजन करते हैं उनको क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम। तब भगवान इन दो फैक्टर्स को देखेंगे कि हम पहला सतत रूप से भगवान के नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता के क्लासेस को श्रवण कर रहे हैं, दूसरी चीज प्रीति पूर्वक कर रहे हैं, रिचुअलिस्टिक नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिस्टिक कर रहे हैं। तो रिचुअल स्पिरिचुअल में क्या भेद है, रिचुअल मतलब खाली नियमों को करना, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल, स्पिरिट होती है आत्मा, यानी कि आत्म साक्षात्कार की क्रिया प्रेम पूर्वक जब भाव पूर्ण होकर के इन क्रियाओं को किया जाए तो ये अधिक फल देती है। तब भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करूंगा कि तुम्हें करना क्या है, फिर कौन सी बुद्धि मिलेगी, माम उपयंति ते, मेरे तक आने का रास्ता मैं उसको खुद ही बताता हूं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर हमारे पास ये कुछ समझ नहीं है तो हम क्या करें। तो हमने पाया कि सतत रूप से, लेकिन सतत रूप से लगा नहीं जाता है, तो इसीलिए जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में एक प्रमाणिक गुरु, एक वैष्णव की आवश्यकता है जो मुझे गाइड करे। जब मैं गलत काम करूं तो मुझे टोके, जब मैं अच्छे काम करूं तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए, वाह तुमने क्या काम किया, बहुत अच्छा भजन कर रहे हो, आते रहो, क्लासेस सुनते रहो। इस तरह से मानसिक चिंतन करने मात्र से खाली कि मैं बैठे बैठे सोचता रहूं मुझे भगवान कब कृपा करेंगे, कब बुलाएंगे, अरे वो जब चाहेगा तब बुलाएगा, तब मंदिर जाएंगे, घर पे आएगा, हॉर्न बजाएगा, पी पी पी, चलो चलो मंदिर, तुम्हारे अब मैं वेट कर रहा हूं। ये मानसिक चिंतन से प्राप्त होने वाली विधि नहीं है। ज्ञानी लोग होते हैं जो मानसिक चिंतन करते, बैठे बैठे विचार करते थे, अनुमान लगाते हैं भगवान ऐसा होगा, अनुमान है ना। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, बस ये पूजा पाठ गीता वीता ये सब नहीं करना, खाली अपना नॉर्मल कर्म करो, यही पूजा है। तो जो खाली ज्ञान के माध्यम से मानसिक चिंतन करते हैं वो ज्ञानी बन जाते हैं, और जो लोग बैठे बैठे कर्म को पूजा कहते रहते हैं ये कर्मी बन जाते हैं, पूरा कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें ना ज्ञानी बनना है ना कर्मी बनना है, हमको क्या बनना है, हमको भक्त बनना है। तो क्या भक्त के पास ज्ञान नहीं हो सकता है, भक्त के पास भक्तिमय ज्ञान हो सकता है, गीता का ज्ञान। भक्त के पास क्या कर्म नहीं होता है, भक्त के पास भगवान की सेवा रूपी कर्म होते हैं। यहां तक कि अपनी नौकरी भी करने जाएगा तो इस भाव से जाएगा कि ये धन मैं अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए कर रहा हूं ये कार्य। इसको कहते हैं भक्ति योग, बुद्धि योग, यानी कि इंटेलिजेंस जब मेरी शार्प हो जाएगी तब मैं इस प्रोसेस को दृढ़ता से पालन करूंगा। और मेरी इंटेलिजेंस शार्प कब होती है, जब मैं भगवान का सतत रूप से भजन करता हूं गुरु के शरणागत होकर के।
तो गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे प्रोत्साहन देते हैं और मेरी गलतियों पे मुझे टोकते हैं। कबीर जी कहते थे, कबीरा सूता क्या रहे, जागो जपो मुरारे। कबीर जी कहते हैं कि अरे सोते क्या हो, इस इग्नोरेंट वर्ल्ड में, इस अंधकारमय जीवन में क्यों इतना लिप्त हो गए हो कि भूल ही गए हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति था, भक्ति था। मनुष्य जीवन पाकर भी वही काम कर रहे हैं जो पशु करते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं जागो। हाँ वैसे तो जागे हुए हैं, जेल लगाया हुआ है, फेस पे स्प्रे करके फ्रेश लग रहे हैं, डिओड्रेंट लगाया हुआ है, लेकिन क्या ये सच में जागे हुए लोग हैं? आंखों में दुख भरा हुआ है, लाल आंखों में स्ट्रेस भरा हुआ है, रात रात तक जाकर 18-18 घंटे आईटी में काम करके दिमाग खराब हो गया है। दिखते हैं जगे हुए लेकिन मन में सोए हुए हैं, अंतरात्मा सो चुकी, इग्नोरेंस में चले गए हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि सोता क्या करे, जागो जपो मुरारे। हे उठो व्यक्ति, भगवान कृष्ण का नाम जपो। क्यों आज क्यों नहीं सोना है? सोना इसलिए नहीं है, एक दिन सोना होएगा, चारों पांव पसारे, पांव पसार करके शमशान में सोना होगा। इसलिए आज मत सो, जब तक जीव आत्मा इस शरीर के अंदर हम हैं, हमें एक्टिव हो जाना चाहिए भगवान की प्राप्ति हेतु। अपनी जॉब भी करो, अपने बच्चों का ख्याल भी रखो, अपने परिवार का ख्याल भी रखो, लेकिन मन में भगवान का सतत रूप से चिंतन करो, नियम पूर्वक गीता पढ़ो, गीता सुनो, गुरु के शरणागत होकर के सेवा करो, प्रीति पूर्वक इस कार्यों को करो, तो भगवान एक ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम सरलता से भगवान को समझ पाएंगे और अंत में उनके धाम में प्रवेश करेंगे। तो लोग जो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, उनके ये कारण विशेष है, अगर वो ये सारे कार्य करते हैं उनका मन अवश्य लगेगा और वो भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा।